हेलो दोस्त, मैं विशाल कुमार, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप वेब जो है सो उसको परमानेंट जो है से लॉगिन कैसे करें। कभी कभी क्या होता है ना कि हमको मान लीजिए कि अपना फोन से सिस्टम में चलाना हो या किसी और के फोन में हमको जो है से व्हाट्सएप वेब लॉगिन करना पड़ता है, तो होता है क्या है कि जैसे ही हम लॉगिन तो कर देते हैं लेकिन 24 घंटा के बाद जो है वो लॉग आउट हो जाता है और किसी का डाटा हम नहीं देख पाते हैं। मान लीजिए कोई आपका अड़ोस पड़ोस या कोई आपका भाई हो, चाहे आपका कुछ किसी पर हम नजर रखना चाहते हैं, तो उसका व्हाट्सएप जो है से वेब लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद 24 घंटा में जो है ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। तो उस समय बहुत ही अफसोस आता है, काश ये लॉगिन जो है से लंबे समय तक जो है से रह पाएगा। तो इसका जो है से तोड़ निकल गया है। मैं आपको जो है एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप किसी का एक बार जब भी स्कैन करिएगा, लॉग इन वेब करिएगा, तो आपको जो है से परमानेंट कभी लॉग आउट नहीं होगा। जब तक आप अपना फोन से नहीं करिएगा जब तक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते, आपको बताते हैं कि वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम एक बार जो है से वेब व्हाट्सएप को लॉगिन करेंगे। वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम जो है से एक बार किसी फोन को जो है से वेब स्कैन करेंगे व्हाट्सएप का, तो हमेशा टाइम की हमेशा के लिए वो रह जाए। पहले जो है से फोन को ओपन कर लेना है और हमको आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आ गए हैं, ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद हमको थोड़ा बैक जाना है और यहाँ पर लिखना है, तो हमको आ जाना है और सर्च बार में लिखना है वाप प्रो व्हाट्सएप। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको हम जो है से ओपन करते हैं। पहले से हम डाउनलोड कर रखे थे, आप लोग जैसे डाउनलोड कर दीजिएगा। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए ये खुल रहा है, देखिए तीनों में से पेन कार्ड कौन देखिए व्हाट्सएप जो है से खुल गया है। और इसी पर आपको क्या करना है मैं आपको जो है से बैक जाके बताता हूँ। ये आपका उस फोन में करना है जिस फोन में आपको सारा डाटा जो है से लेना है या किसी पर नज़र रखना है या कोई चीज़ को आपको डाउनलोड करना होगा, तो आप जो है से इसी में जो है से आप क्या करिएगा कि मतलब ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें स्कैनिंग कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा बैक जाना है और आपका जो फ़ोन रहेगा जिस बंदे को करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइएगा 3 आइकन में। इसके बाद जो है से यहाँ लिखा हुआ है लिंक डिवाइस, लिंक डिवाइस में जाना है और यहाँ से आप जो है इसे लिंक करिएगा और यहाँ से यूज मोबाइल में करिएगा। फिंगरप्रिंट या पासवर्ड मांगेगा आपको, अब देख रहे हैं। और ऐसे करके आप जो है से इसको स्कैन, जहाँ पर आपका स्कैन होगा व्हाट्सएप का जिसमें आपको लोड किए हैं वो वाला फ़ोन में आपका स्कैन कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है से आपको सारा डाटा जो है जैसे इसमें डाटा दिखा रहा है, सारा डाटा जो है से इसमें आपको दिखाने लगेगा। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जैसे बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ऐसा ट्रिक देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।